नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज पटेल और आज हम बात करने वाले हैं 50 से भी ज़्यादा ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? रोज़ाना सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। क्या आप उस काम या फिर नौकरी से खुश हैं जो आप कर रहे हो? क्या आप एक अच्छी नींद सोते हो? क्या आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है? क्या आप अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पा रहे हो? क्या आप रोजाना नई चीजें सीखने के लिए, नए नए काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो? अगर इन सभी सवालों में से एक भी सवाल का जवाब ना में है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे हो, बस काट रहे हो, जबरदस्ती उसे गुजार रहे हो। वैसे भी बहुत सारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आपको जिंदगी को काटना नहीं है, आपको उसे जीना है। सभी लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है, जीने के अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं और अपना अपना डेली रूटीन्स होता है। कुछ लोग हमेशा खुश नजर आते हैं, जिंदा दिल नजर आते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत ही उदास और जिंदगी से एकदम निराश नजर आते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, निराशा से बाहर निकलने के लिए, खुद को संभालने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए आज मैं आपको रोजाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें या फिर कहे तो कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर वन, रोजाना सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि अगर आप रोजाना सोकर उठते हैं इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको एक नई जिंदगी दी है। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक और मौका दिया गया है। इसीलिए आपको ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहिए कि आपको एक और जिंदगी दी है। नंबर टू, हर पल मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने का कोई भी मौका ना छोड़ें। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये दर्शाती है कि आपके जीने का जज्बा आपकी जिंदगी की परेशानियों मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। नंबर थ्री, रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिए। शरीर में पानी की कमी कब्ज, पेट के रोग, आलस, थकान, सिर दर्द, तनाव जैसी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। नंबर फोर, रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लें। इससे कम नींद लेने पर आपको दिन भर सिरदर्द, थकान, आलस जैसी परेशानियां बनी रहेगी। नंबर फाइव, रोजाना एक्सरसाइज करें। रोजाना एक्सरसाइज करने से आपको दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और चुस्ती का एहसास होगा। शरीर की मांसपेशियां मजबूत होगी और अच्छी नींद आएगी और दिमाग आपका एक्टिव रहेगा। नंबर सिक्स, रोजाना 30 मिनट पैदल चलें। पैदल चलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, अनिद्रा और ब्लड प्रेशर में भी लाभ होता है और उससे दिल मजबूत होता है। नंबर सेवन, रोजाना पढ़ने की आदत डालें। रोजाना पढ़ने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, देश दुनिया की जानकारी बढ़ती है, दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और नई नई चीजें सीखने को मिलती है। नंबर एट, रोजाना बुजुर्गों और बच्चों के साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत करें। रोजाना बुजुर्गों के साथ समय बिताने से, उनसे बात करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, नॉलेज की बातें मिलती है, जिंदगी जीने का नजरिया मिलता है। बच्चों के साथ बात करने से, उनके साथ खेलने से खुशी मिलती है। उस समय हम अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाते हैं। नंबर नाइन, गुस्सा ना करें। गुस्सा हमें अपनों से दूर कर देता है, नकारात्मकता की ओर ले जाता है और गुस्से से हमें कभी भी कुछ भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए गुस्से को कंट्रोल में रखें। नंबर 10, माफ करने की आदत डालें। जहां तक हो सके दूसरों की गलतियों को माफ कर दें। माफ करने से दिल और दिमाग से फालतू का बोझ कम हो जाता है, नकारात्मक विचार कम आते हैं और मन शांत हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है। नंबर 11, हमेशा सच बोले। चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम सामने वालों की नजर में अपना विश्वास और सम्मान दोनों ही खो देते हैं, और जितना ज्यादा आप झूठ बोलेंगे आप अपनी जिंदगी में उतने ही कंफ्यूज होते जाएंगे।
नंबर 12, ईर्ष्या ना करें। कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करें, नफरत ना करें, जलन का भाव ना रखें। ऐसा करके आप अपनी मानसिक शांति और सुख दोनों को खो देते हैं। नंबर 13, किसी की आलोचना ना करें। कभी भी किसी की आलोचना या फिर चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में भी झूठी या फिर इधर उधर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। जहां तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, वहां तक आप दूसरों को कोई भी बात नहीं बताइए। नंबर 14, बदले की भावना ना रखें। बदले की भावना आपकी जिंदगी का सुख, चैन और शांति सब कुछ छीन लेती है। किसी से बदला लेने की कोशिश में आप कभी कभी अपना सुकून ही खो सकते हैं, इसीलिए बदले की भावना कभी ना रखें। नंबर 15, लालच ना करें। लालच बुरी बला है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। लालच का मारा इंसान अपनी बुद्धि, विवेक और दिमाग का सही इस्तेमाल करना भूल जाता है। लालची इंसान अपनों को भी नहीं छोड़ता, जिससे वो दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसीलिए लालच करना बहुत ही बुरी चीज है। नंबर 16, जितना है उतने में खुश रहो। अपने पास कुछ ना होने पर दुखी मत रहो, निराश मत रहो। आपके पास जितना है उतना दूसरे के पास नहीं है, ये सोचकर थोड़ी बहुत खुशी मना सकते हो और उसी में ईमानदारी से खुश रहकर आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हो। अगर आपको ज्यादा पाने की चाहत है तो उसके लिए आप मेहनत करो। आप मेहनत करेंगे तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो आप सोचते हैं। नंबर 17, समय बर्बाद ना करें। समय बहुत ही कीमती है, इसे यूं ही फालतू के कामों में और गपशप में या फिर हंसी मजाक में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ देर का हंसी मजाक, थोड़ा बहुत गपशप, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन दिन का ज्यादातर समय फालतू की चीजों में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने में लगाओ। नंबर 18, बहस ना करें। बहस करने से शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, गुस्से और झगड़े की स्थिति बन जाती है। बहस करने से बेहतर है कि उस बात को उस समय पर बंद कर दें, फिर कुछ समय बाद उसे बेहतर ढंग से, बेहतर शब्दों के साथ उसके सामने एक्सप्लेन करें। किसी के भी साथ बहस करने से आपका भी टाइम बिगड़ेगा और उसका भी टाइम बिगड़ जाएगा। उससे बेहतर है कि आप सोचे, समझे, उसके बाद उस चीज पर उसके साथ फिर से बात करें। नंबर 19, दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें। आप जैसे हैं अपने लिए सही है, किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। तुलना करके खुद को जलाने से, परेशान करने से अच्छा है कि आप उनके जैसे या उनसे भी बेहतर बनने का प्रयास करें। सबसे इंपॉर्टेंट, मेहनत करें। नंबर 20, चिंता ना करें। चिंता चिता के समान है। कैसा होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, कब होगा, इन सभी सवालों की चिंता करके परेशान होने की बजाय ऐसे काम करें, ऐसे विकल्पों की तलाश करें जो आपकी चिंता को दूर कर सकती है। वो कहते हैं ना कि आप अगर परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो आपको परेशानियां ही मिलेगी, अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर 21, दूसरों की मदद करें। जितना हो सके गरीबों की, असहायकों की, जरूरतमंदों की मदद करें। दूसरों की भलाई करें, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। नंबर 22, किसी को धोखा ना दें। कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। नंबर 23, रोजाना कुछ नया सीखने, नया करने की आदत डाल लीजिए। कुछ रोमांचक कीजिए जिससे आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा बदलाव आएंगे। नंबर 24, जिन बातों से मन दुखी होता है उन्हें बार बार याद नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों को भूल जाना ही सबसे बेहतर होता है। नंबर 25, अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए और बार बार उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। नंबर 26, प्रकृति से प्यार करें। दिन में कुछ समय पेड़ पौधों के साथ गुजारना चाहिए। पक्षियां, जीव जंतुओं की हरकतों को ध्यान से देखना चाहिए। मजा आएगा, मन हल्का हो जाएगा और आपको सुकून मिलेगा।
नंबर 27, रोजाना एक काम ऐसा जरूर करें जो आपको पसंद हो। ऐसा गाना, नाचना, म्यूजिक सुनना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ मूवीज देखना या फिर टीवी देखना, ये काम आपके मन के बोझ को और भी हल्का कर देता है। नंबर 28, हर अच्छे काम के लिए खुद को शाबाशी दें। आपको अपने आप पर प्राउड फील करना है, अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। भले ही वो छोटे से छोटा अचीवमेंट क्यों ना हो, आपको अपने आप पर प्राउड फील करना है। नंबर 29, सूर्य को उदय होते हुए देखें और अस्त होते हुए भी देखें। अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक बार ट्राई जरूर करना। नंबर 30, दिन में कुछ समय चुप रहना सीखें, अकेले रहे, खुद से बातें करें, अकेले में अपने आप से कुछ सवाल पूछें कि ये कैसे हो सकता है, आपकी जिंदगी को आप कैसे बेहतर बना सकते हो। चुप रहना आपकी ऊर्जा को बचाता है और अकेले रहना आपको खुद से जोड़ता है, आपको खुद से प्यार करवाता है। नंबर 31, बिना जरूरत के कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। जरूरत के समय के लिए आपको पैसे बचाने होंगे और वो जरूरत के पैसे आप सही काम में लगा सकते हैं। नंबर 32, दूसरों का सम्मान करें, उनसे इज्जत से पेश आए। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। आप अगर दूसरे से खुशी चाहते हैं तो उनसे खुशी खुशी से बात कीजिए। अगर आप दूसरे से गुस्सा चाहते हैं तो आप उससे गुस्से में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आप पर डिपेंड है। नंबर 33, घमंड कभी ना करें। आप किसी से भी, किसी भी मामले में, किसी भी चीज में बड़े हो, आगे हो, कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 34, सिर्फ सोचते ही ना रहे, कुछ करें भी, क्योंकि सोचने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी होगी कुछ बड़ा करने के लिए। नंबर 35, वर्तमान में जिए, भूत भविष्य में ना उलझे। जो बीत गया वो बीत गया, जो होने वाला है वो देखा जाएगा। नंबर 36, हमेशा ईमानदार रहें, किसी के साथ भी छल कपट ना करें। नंबर 37, एक अच्छा इंसान बने, इंसानियत को सीखे और इंसानियत को निभाइए। नंबर 38, समाज की भलाई में अपना थोड़ा योगदान दीजिए। नंबर 39, अपनी समस्याओं का समाधान सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई भी नहीं, इसीलिए दूसरों के भरोसे कभी भी मत रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। नंबर 40, अपने आप को सिर्फ आप ही खुश कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, इसीलिए अपने आप को खुश रखें। नंबर 41, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें अपेक्षाएं ना रखें, उम्मीदें हमेशा दुखों को जन्म देती है। नंबर 42, रिश्तों को अहमियत दें और उन्हें दिल से निभाइए। रिश्तों को टूटने ना दें, बिखरने ना दें, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं। नंबर 43, अपनी गलतियों को माने और आगे बढ़कर उस चीज के लिए माफी मांगे जो भी आपने गलती की है। नंबर 44, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आप बोलेंगे और दूसरे नहीं सुनेंगे। नंबर 45, पैसों के पीछे कभी भी मत भागो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जितना पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं उतने भी नहीं है। नंबर 46, किसी एक इंसान के चले जाने से या फिर उसके छोड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, इसीलिए शौक नहीं मनाना चाहिए, आगे बढ़ जाओ और अपनी जिंदगी को और अच्छी बनाओ। नंबर 47, बुरी आदतें, बुरे लोगों की संगत छोड़ दीजिए, अच्छी आदत डालिए, अच्छे दोस्त बनाइए और अच्छी जिंदगी जिए। नंबर 48, जो आपको मानता है, जो आपको पसंद करता है, आपकी परवाह करता है, ऐसे इंसान का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 49, अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात से, हर चीज से, हर घटना से सबक लीजिए, उससे प्रेरणा लीजिए और उससे सीखकर कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए। नंबर 50, ऐसे काम करो, ऐसी जिंदगी जियो कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाएं।
नंबर 51, दूसरों का दिल दुखाने से पहले, किसी का भी दिल तोड़ने से पहले ये भी ध्यान में रखो कि आपके पास भी एक दिल है। नंबर 52, दूसरों की बहन बेटियों को भी ऐसी ही इज्जत करो जैसे आप अपनी बहन बेटियों की करते हो। नंबर 53, किसी को भी उसके कपड़ों या फिर उसके चेहरे से मत जानो, उसके दिल से जानो, उसकी सोच से जानो और उसके नजरिए से जानो। और सबसे आखिरी 54, किसी की आंख का आंसू नहीं, उसके होठों की मुस्कान बनो। सो दैट्स इट, ये कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे तरीके थे या फिर मान लो कुछ ऐसी मोटिवेटेड बातें थी जिसे आप अपना कर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी और आपके सपनों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। एंड दिस इज नीरज पटेल, स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।